जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं थोड़े नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्प। नवी सरकार बनने तो बाद पंजाब की 15वीं विधानसभा का पलेठा इजलास होया शुरू। प्रोटेम स्पीकर राणा केपी सिंह ने विधायकों नूं चुकाई सौं। 29 मार्च तक चलने वाले इजलास 27 मार्च नूं होवेगी स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर की चोण। अज कुल 112 विधायकों ने सौ चुकी जदों की प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने विधानसभा के पहले दिन सौ नहीं चुकी। उधर 15वीं विधानसभा कई तजुर्बेकार चेहरे नजर आए जिन्हां च खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लुधियाणा तो बलविंदर बैंस और कई होर नजर आए। धूरी तो कांग्रेस विधायक दलबीर सिंह गोल्डी और जीरा तो कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा भी इजलास को लेकर उत्साहित नजर आए। काफ़ी यह जे मुद्दे ने जो मेरे हल्के नाल संबंधित ने, पर मैं यूथ होने के नाते सब तो पहली गल रोज़गार नू बढ़ावा दूंगा। दूसरा शिक्षा बहुत वड्डी सानू जरूरत आ। कई पिंडां च इह जे स्कूल ने जिहड़े हजे तक 5वीं तक ने 8वीं तक ने जिहड़े अपग्रेड नहीं होए, तो कई साडे होस्पिटल्स ने जिवें मेरे धूरी का होस्पिटल है लो हजे तक अपग्रेड नहीं हैगा। तो सिक्ख्या सेहत ते रोज़गार ये तीन मुद्दे ने जिन्हां ते मैं काम करना। मैं सब तो पहला तो श्री राहुल गांधी जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह और साडे यूथ दे आल इंडिया दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इन्हां सारी समुची लीडरशिप का धन्नवाद करदा कि जिन्हां दी बदौलत अज यूथ नूं मौका मिलिया। और पहला मैं अपने पिता जी नाल सरदार इंदरजीत सिंह जीरा नाल जो दो वारी MLA रहे उन्हां नाल आया गैलरी च बैठदा रहा, पर किते मन च ख्याल सीगा कि एक दिन इत्थे आण के विधानसभा च बैठांगा और उह मन दी इच्छा परमात्मा ने पूरी कीती है और हमेशा लोगों दी उम्मीदां ते पूरे उतरांगे। सब तो पहला तो सेहत सहूलतां जिहड़ियां ने वह जरूरी ने जीरे हल्के च तुसीं भी गए और उस तो बाद दे विच नशे की गल जिहड़ी है वह उदों भी तुहाडे सामने आई और जिस दिन तो सरकार बनी है उदों तो नशे ते कंट्रोल अते चंगे डॉक्टर जिहड़े आ मैं सिविल होस्पिटल जीरा दे विच लैके गया और जिहड़ियां असामियां अधूरियां पईआं ने वह भी असीं पूरियां करांगे। दूजे पासे वह विधायक भी ने जो पहली बार विधानसभा पहुंचे ने। पहली बार पंजाब विधानसभा विच पहुंचे विधायक काफ़ी उत्साहित ने। विधायकों का कहना है कि अगले 5 साल विच वह जनता के मुद्दों को जोर शोर नाल चुकाएंगे। आई एम द सेकंड यंगेस्ट सेकंड नंबर पे नौजवान चेहरा असेंबली में मैं होऊंगा। मेरे से छोटी उम्र के गुबाया साहब है और यंग होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता कि जो पंजाब के नौजवान जिन्हें लोगों ने मुझे वोट डाल के असेंबली में भेजा, पंजाब पद्धर पे जो प्रॉब्लम्स है यूथ की मैं समझता हूँ कि उसको अच्छी तरह से मैं समझता हूँ। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, ड्रग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो जितने भी यूथ रिलेटेड इशूज़ है वो असेंबली में यूथ की आवाज़ बन के मैं उठाता रहा। इस मौके मीडिया वालों नवी सरकार के पहले सैशन संबंधी पूछे गए सवाल से कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नवी सरकार है, नवी सवेर है अते ए सरकार लोकां दी है। ये पहला सैशन है टेस्ट मैच का। पहले 6 महीनों में जो संकेत जाएगा वो बहुत ही सकारात्मक जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। असी लोकां दी सरकार लोकां दे वास्ते बनाउणी है। साडा मोटो मेरे डिपार्टमेंट का, मैं कैप्टन साहब वालों कह रहा, कैप्टन साहब की सरकार दी कैप्टन गवर्नमेंट एट योर डोर स्टैप। असी लोकां दी सरकार लोकां दे घरां तक ले जानी है। पंजाब च नवी बनी सरकार के पहले सैशन च शामिल होने लिए आए विरोधी धिर के आगू HS फूलका ने चंगी ऑपोजिशन की भूमिका निभाने की गल की। असी एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करांगे। सरकार ने जो वादे पंजाब के लोगों नाल कीते आ वो वादे सरकार पूरे करे, उस दे वास्ते पूरी सपोर्ट करांगे।
पर जेकर वो वादे पूरे सरकार नहीं करेगी तो जोर देकर पूरे करवावांगे। ये पहला विधानसभा सैशन है, इस दे विच जो ऐसे मुद्दे ने बड़े अर्जेंट आ इंपोर्टेंट आ जो अगले विधानसभा सैशन तक वेट नहीं कर सकते उन्होंने मुद्दों नूं असीं जरूर उठावांगे। पंजाब सरकार विच कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नूं कैबिनेट मंत्री रहिंदे होए टीवी शो जारी रखण नूं हरी झंडी मिल गई है, हालांकि विरोधी इस ते सवाल चुके। नई सुबह है, नया सूर्य उदय हुआ है, नई सुबह, नई उमंग, नई तरंग, और पंजाब आस और विश्वास से हमारी तरफ देख रहा है। और दूसरी बात है कि अगर मिनिस्टर जैसे बोलेंगे कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अब भी ऐसे कमर्शियल कामों में पैसे प्राइवेट एजेंसी से लेंगे, तो कल को आप अपने टीचर्स को कैसे रोक सकेंगे कि वो ट्यूशन ना पढ़ाए? कल को डॉक्टर्स को कैसे रोक सकोगे कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो ना करो? कल को बाकी अफसर्स को आप कैसे रोक सकोगे कि आप रियल एस्टेट में, दूसरे कामों में इन्वेस्टमेंट ना करो? वो भी कल को बोलेंगे कि हम 9 से 5 अपनी ड्यूटी करते हैं, शाम को हम क्या करते हैं ये किसी को पूछना नहीं चाहिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली विच करनगे चोण प्रचार, एमसीडी अते रजौरी गार्डन विधानसभा के जमनी चोण के लिए होणगे स्टार प्रचारक। मनजीत सिंह जीके चुने गए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान, 28 मार्च को प्रधान की होगी चोण, 25-26 तरीक नूं फतेह दिवस की तैयारियों लैके मुलतवी की गई चोण। हजूर दे विच सारिया ने पंजाबी दे विच अपनी सहुं लई है, हाउस का जिहड़ा कंपलीशन होया, उस तो बाद अरदास करके ये प्रोसैस शुरू हुंदा है और प्रोटैम चेयरमैन चुनना हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ। 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ 199 ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गऊघाट स्थित गुरद्वारा साहब टेकया मथा, गुरद्वारा कमेटी ने सिरोपा दे के किया सन्मानित। SYL के मुद्दे से गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मिला हरियाणा का सर्व पार्टी वफद, इनैलो भी रही नाल गृहमंत्री ने मौजूदा इजलास के खत्म होने तो बाद इस मामले से कदम चुकने का दिता भरोसा। मीटिंग दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वफद नूं विश्वास दवाया कि मौजूदा सैशन तो बाद SYL दे मसले ते सख्त कदम चुके जाएंगे। हित का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला हो चुका है और नहर की खुदाई जल्दी जल्दी शुरू करवाएं और तुरंत प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएं, और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, अब कोई इफ बट नहीं है, बातचीत का कोई स्कोप नहीं है, मैंने ये कहा उनको, अब तो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाएं क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय ढांचा है। मैंने राजनाथ सिंह जी से आखिर में ये बात पूछी कि राजनाथ सिंह जी आप हमें ये बताओ कि इसके ऊपर आप आगे क्या करोगे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया बकायदा तौर पे कि सेशन के तुरंत बाद हम दोबारा इस पे बैठक करेंगे, आप हमारे पे भरोसा रखें, हम कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकालेंगे। केंद्र की तरफ से कोई भी बुलावा आएगा, चाहे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए, चाहे होम मिनिस्टर की तरफ से आए, क्योंकि अब तो होम मिनिस्टर को एक तरह से नियुक्त कर दिया इन्होंने, तो इनकी तरफ से जब बुलाएगा हम सब मिल जाएंगे।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पंजाब के गृह मंत्री या पंजाब का कोई मंत्री कोई भी बात कहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में एडजुडिकेट कर चुके हैं, हमारे हक में ऑर्डर आ चुका है और वो ऑर्डर जो है उसकी तामील होनी चाहिए। हम तो ये बात जानते हैं और किस तरह से वो करें ये केंद्र सरकार जाने, उनका काम है जाने। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੁਰਥਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ। ਬਿਮਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵੇਖੋ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਚੈੱਕ, ਅੱਗਿਓਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤਨਖਾਹ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਫਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ACP ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੱਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਹੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਛੱਕੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਗਰਗ ਬੋਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਤਲੌੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ। ਬੀਬੀਪੁਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਵੁਮੈਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਬਲਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਹਿਰਾਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ 'ਚ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ 100-100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ 1,20,000 ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ 97,07,000 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ। ਝੱਜਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਕੈਦੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ।
फरीदाबाद पुलिस ने लुटती वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के पांच मुलजमान काबू किया जिन्हों च तीन नाबालिग और दो 20 साल के। लुधियाणा की पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी च हर वरे होने वाला किसान मेला शुरू हो गया। मेले च झोने दीआं नवीआं किस्मां ते कई होर खेती साजो सामान पेश कीता। शिमला च लोग पानी की समस्या नाल कई दिनों तो दो चार हो रहे ने। गुम्मा वाटर स्टेशन तो शहर लई पानी सप्लाई हुंदा है पर हुण उत्थों आउण वाला पानी पूरा नहीं पै रहा। बोलण सुनण तो असमर्थ पानीपत के अमित ने नाम रोशन किया। अमित की कप्तानी च भारतीय दिव्यांग टीम ने हैदराबाद दिव्यांग एशिया कप क्रिकेट मुकाबले च श्रीलंका नूं हरा भारत दा नाम रोशन किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत राजौरी पुलिस वालों कंडी च दंगल खेड मुकाबले करवाए गए। इस खेड की शुरुआत राजौरी के SP मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट दीआं अटकलां नूं कीता खारिज। कहा विंटेज कार की तरह बन गया हाँ पर फिटनेस ने दिता साथ तां 2019 वर्ल्ड कप भी खेडांगा। भारत और आस्ट्रेलिया के विचाले सीरीज का चौथा ते आखिरी टेस्ट कल तो धर्मशाला दे विच खेडिया जाएगा। लंदन में दहशतगर्दी हमले तो बाद आम जिंदगी मुड़ तो लीहां ते लोगों ने कहा नहीं झुकांगे दहशतगर्दी के अगे। दहशतगर्दी हमले तो बाद लंदन में सुरक्षा इंतजाम बधाए गए। लंदन आई नूं फिर तो शुरू किया गया। ब्रिटेन में हुए दहशतगर्दी हमले के शिकार लोगों को मैड्रिड में दी गई श्रद्धांजलि। ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर काफी गिनती जमा हुए लोग। बाहुबली 2 भारत में सब तो ज्यादा स्क्रीनस से रिलीज होने वाली फिल्म बनेगी। 28 अप्रैल को 500 स्क्रीनस से फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अनुष्का शर्मा की फिल्म फिलौरी की स्क्रीनिंग से देखा बॉलीवुड हस्तियों का चमावड़ा। शाहरुख खान रेखा दिया मिर्जा शबाना आजमी और राजकुमार हिरानी रहे मौजूद। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर दा पार्टी एंथम रिलीज होया। फिल्म सोनाक्षी निभा रही है जर्नलिस्ट का किरदार। सोशल मीडिया से देखी फिल्म टाइगर जिंदा के पहले एक्शन सीन की झलक। ऐश्वर्या ने ठुकराया डायरेक्टर करण जौहर की नवी फिल्म का ऑफर। फिल्म है दिल है मुश्किल विच ऐश्वर्या ने किया सी काम। अदाकार रणवीर सिंह नूं पसंद आ रहा रैप। राजकुमार राव के नाल रैप गाते हुए वीडियो आया सामने। वीडियो विच राजकुमार के नाम लिरिक्स के तौर पर कर रहे हैं इस्तेमाल।